धनबाद के केंदुआ पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने आउटसोर्सिंग लाइनजर राजेश यादव के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 6 राउंड फायरिंग से राजेश यादव बाल बाल बच गए। राजेश यादव अपने घर के बाहर सड़क के बगल में बैठकर पिताजी से बात कर रहे थे। इसी दौरान 3 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। राजेश यादव ने इसकी सूचना केंदुआ डी थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बता दें कि राजेश यादव के ऊपर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। पता है आज की घटना क्या हुई है? सुबह 7:30 बज रहा होगा, 7:30 हम घर में ही थे। घर से निकले बाहर आपका झरिया रोड में, जो कि मेरे घर का गली जो है एकदम मुख्य द्वार है वो रोड पे, ठीक है। हम वहाँ पे ही खड़ा थे, बाबूजी थे, हम थे और एक आपका भुंजा दुकान, जिसका दुकान सामने में है, भुंजा दुकान वाला था, दुकान उसका बंद था। खड़ा होकर बस हम भी बाबूजी से बात ही कर रहे, तब तक वो लड़का उधर से आया, 3 लड़का था, बाइक पे ही था, गाड़ी रुका मेरे सामने एकदम वो साइड में, रोड के उस साइड में गाड़ी रुका और पिस्टल जैसे ही निकाला तो हमको लगा कि लड़का को हम तो 2 दिन से देख ही रहे थे, धनाधन मेरे पर फायरिंग किया और हम जान बचा के भागे। कितने की संख्या में अपराधी आए थे? 3 की संख्या में थे, एक चलाने वाला था, 2 गोली मारने वाला था। अच्छा, मतलब कि किसी को पहचान, किसी पे शक? शक तो ऐसे हमको बहुत लोगों पे है, लेकिन इससे कुछ पूर्व में भी जो कांड हुई है गोंदोडी में, बसेड़िया का 2-4 लोग हैं, वो लोग भी संदिग्ध भूमिका में है। क्या नाम है पसेरी? शीतल यादव हो गया, विजय यादव हो गया, आपका विनय यादव हो गया, आपका सोनू यादव है, बहुत लोग है, उसमें नामजद FIR है उन लोगों पे अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है उन लोगों का। इधर आपका बिक्की डोम का भाई है, राजा डोम है, आपका करकेन खटाल का रहने वाला विनय यादव, बहुत लोग है मेरे पीछे। कितने राउंड फायरिंग हुई आपका? लगभग 6-7। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से जुड़े हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार। विकास जी, आए दिन कोयलांचल में अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी ओर पुलिस निरंकुश दिखाई दे रही है, प्रशासन अभी तक अपराधियों को पकड़ क्यों नहीं पाई? देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने सिमरन, कि लगातार जो है कि क्राइम की जो है ग्राफ वो लगातार बढ़ता जा रहा है और गोलीबारी की जो घटनाएं हैं वो आम हो गई है कोयलांचल धनबाद में, और शायद यही वजह है कि अपराधी जो है बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इनके सामने जो है नतमस्तक नजर आ रही है। और ताजा घटना जो है केंदुआड़ी थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे एक आउटसोर्सिंग लाइसनर जो है अपने पिताजी के साथ घर के बाहर सड़क किनारे बात कर रहे थे और अचानक उसी समय बाइक सवार अपराधी उधर से आए और अंधाधुंध 6 राउंड फायरिंग की। हालांकि किसी तरीके से इस घटना में उन्होंने अपनी जान बचा ली है, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी हादसा हो सकती थी, अगर गोली जो है निशाने पर लगती तो कहीं ना कहीं राजेश यादव इसका घटना का शिकार हो सकते थे। कह सकते हैं कि पुलिस की निष्क्रियता है कि जिस वजह से अपराधी दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल इस घटना में किसी तरह का कोई हताहत नहीं हुई है, पुलिस की शिकायत कर दी गई। हालांकि राजेश यादव ने कई नामचीन लोगों पर नाम लेकर के उन्होंने शंका जाहिर की है और देखने वाली बात होती है कि खैर पुलिस जो है किस तरीके से इस मामले को गुत्थी को सुलझाती है और अपराध पर कैसे लगाम लगाती है। विकास जी, ये बताइए कि अज्ञात अपराधी ने राजेश यादव पर अंधाधुंध फायरिंग क्यों की, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से पता चला है कि इनके ऊपर पहले भी आज जानलेवा हमला हो चुका है और ये आउटसोर्सिंग से जुड़े काम को लाइजनिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोयले की काम होती है, आउटसोर्सिंग से कोयला निकाला जाता है और जब जब कोयले की बात सामने आती है कोयलांचल धनबाद में वर्चस्व को लेकर के कहीं ना कहीं जो है कि कई गुट आमने सामने भी रहे हैं, गोलीबारी हुई है, कई बड़ी घटना को भी अंजाम दिया गया है। तो राजेश यादव जो है आउटसोर्सिंग का लाइजनर थे और राजेश यादव ने भी खुले बातों से कहा है कि कई नामचीन लोगों का या कई यादव ग्रुप्स का जो है कि नाम लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है कि कई दिनों से उनके पीछे वो रेकी भी कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि देखिए इन तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इनके काम से जुड़ी हुई हो सकती है, कोई कमीशन की बात सामने आ सकती है। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। विकास जी, राजेश यादव पर इस तरह की दूसरी घटना है और राजेश यादव जी का कहना है कि उन्हें जान का खतरा है, वे प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दूसरी बड़ी घटना है, एक बार और उनके ऊपर गोंदूरी साइडिंग में हमला हुआ था और इसके बाद फिर उनके आवास पे आकर के अंधाधुंध फायरिंग कर देना, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़ी होती है। हालांकि उन्होंने
पुलिस जो है जो कि सुरक्षा की मांग की है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, पुलिस ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसको किस तरह से लेती है और किस तरह की सुरक्षा उन्हें देती है, क्योंकि अभी फिलहाल तो कह सकते हैं कि राजेश यादव को सुरक्षा की जरूरत है और उन्हें पुलिस किस तरीके की सुरक्षा मुहैया कराती है। हालांकि लिखित शिकायत कर दी गई है, पुलिस ने जाँच भी शुरू कर दी है और ये भी देखने वाली बात होगी कि अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में रहती है। जी शुभ्रा जी, विकास जी, इसमें ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।